मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को। हाँ जी, मैं अजय अहलावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हम सब के इस प्यारे से YouTube चैनल स्कूल वाली लाइफ में। तो कैसे हैं आप सभी? प्यार में, मजे में, खुश हो? तो आज लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा टॉपिक, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकंड लेक्चर। सही है। तो इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम कार्बन की वो बातें जानेंगे और उसके कंपाउंड्स की वो बातें जानेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ी थी या पेंडिंग छोड़ी थी। तो इस लेक्चर में हम उन सारी बातों को कंप्लीट कर जाएंगे। कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट, हर एक कंपाउंड के बारे में आपको सिखा के जाऊं। अगर कोई टॉपिक रह जाता है, वैसे तो कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, कोई रह जाए, कोई टॉपिक रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बड़े ही मज़ेदार तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सेकेंड लेक्चर, जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे अब। और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, मेरा नाम और चैनल का नाम तो भूलना नहीं है। चलो चलते हैं। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पार्ट टू है। सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, यानी कि बोला जाए तो गुण पढ़ेंगे पहले। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बच्चों गुण। है क्या होता है? गुण होता है, गुण 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 गुण। देखो, कार्बन की अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो एसेंशियल है। एसेंशियल को का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। अब दूसरी बात ये होती है, इसको यूज़ किया जाता है, यूज़ करते हैं, यूज़ टू फाइंड रिलेटिव मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होता है ऑफ अदर एटम्स, ऑफ अदर एटम्स, दूसरे एटम्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर टू जो इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ेंगे आगे चल के। इसको पहले तो यही समझो कि यूज़ क्यों किया जाता है। क्योंकि ना, जब साइंटिस्टों को ये बात पता चली कि हमें एटम का जो मास निकालना है, और एटम इतना छोटा है कि उसका एक्चुअल मास तो निकाल नहीं सकते, तो हम निकालते हैं उसका रिलेटिव मास, यानी कि उसके मास को रिलेट करते हैं किसी दूसरे के साथ। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, कार्बन को ही चूज़ किया। कारण ये था क्योंकि कार्बन जो है अच्छी मात्रा में मिल जाता है, मतलब अच्छी कहा जाए तो ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। ठीक है ना, ठीक ठाक मिल जाता है कार्बन। सही है, और कार्बन ठीक ठाक मिल जाता है। और दूसरी बात, ना तो हाई रिएक्टिव होता है, ना ही हाई और ना ही लो, ना ही हाई रिएक्टिव होता है और ना ही ज़्यादा लो रिएक्टिव होता है। इस वजह से इसी को चूज़ किया गया कि यही सही होगा, इसी को ले लेना चाहिए। परसेंटेज काफ़ी सही मात्रा में मिली जाती है लगभग लगभग। तो ये होती है कार्बन की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है एटॉमिक मास निकालने के लिए। मेरे ख्याल से तो आ गई बात समझ में। शाबाश, सीखते जाओ, देखते जाओ, जानते जाओ, समझते जाओ, परखते जाओ। और सेकेंड जो उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो ये शो करता है भाई साहब, तीन आइसोटॉप्स। क्या, कितने आइसोटॉप्स शो करता है? थ्री आइसोटॉप्स शो करता है। कितने आइसोटॉप शो करेगा? थ्री आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा अभी। पहले समझो, तीन आइसोटॉप, एक तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तीन आइसोटॉप शो करता है। आइसोटॉप का मतलब ये होता है इनका ना, हर एक का एटॉमिक नंबर वो रहेगा सेम। एटॉमिक नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, बट जो एटॉमिक मास होता है ना वो चेंज हो जाता है भैया, समझ रहे हो? जैसे एटॉमिक मास यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है, लेकिन एटॉमिक नंबर हमेशा 6 रहेगा बच्चों, ये 6 रहेगा। समझ में आई बात? इसलिए क्या करेंगे, तीन आइसोटोप शो करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 6। इसी के साथ आपको एक चीज और बता दूं, कार्बन जो है नंबर थर्ड थ्री एलोट्रॉप भी शो करता है। क्या शो करता है? तीन एलोट्रॉप्स भी शो करता है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चों? देखो, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है, ये तीन बताता हूँ एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। पहले बता देता हूँ ये तीन कौन कौन से शो करता है एलोट्रॉप। एक शो करता है ये डायमंड। क्या शो करता है? डायमंड। और दूसरा होता है जिसका नाम रखते हैं ग्रेफाइट। क्या
ठीक है। और तीसरा होता है बच्चों बक मिनिस्टर फुलरीन। ये तीन जो है ये बक मिनिस्टर फुलरीन, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बच्चों एडजस्ट कर लेना, ज्यादा फुर्की मत लेना, एडजस्ट कर लेना अगर कोई दिक्कत हो जाए कहीं पे। एलोट्रॉप्स का मतलब समझो अब, जैसे आइसोटॉप्स का मतलब मैंने तुम्हें समझा ही दिया कि आइसोटॉप्स वो होंगे जो शो करेंगे जिनके अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा, क्लियर हो रही है ना। और एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो फिजिकली फिजिकली तो होते हैं डिफरेंट, ठीक है। और केमिकली अगर मैं बात करूं, केमिकली का मतलब होगा बच्चों यहां पे वो होंगे सेम। केमिकली का मतलब होगा कि ये रिएक्शन करवाएं तो कार्बन की तरह ही बिहेव करेंगे। जैसे डायमंड, डायमंड जो इसका एलोट्रॉप है ये सबसे हार्ड होता है और बिजली को कंडक्ट भी नहीं करता। और इससे अच्छी बात मैं बताऊं कि डायमंड जो है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस भी होता है और कभी भी कंडक्ट ही नहीं करता बिजली को, बताऊंगा रीजन भी पहले समझते जाओ। और ग्रेफाइट जो है ये हार्ड होता नहीं है उतना और ये बिजली को कंडक्ट करता है। ऐसा अकेला नॉन मेटल है ग्रेफाइट जो बिजली को कंडक्ट करता है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है तो आप बताओगे डायमंड है, और डायमंड बिजली को कंडक्ट नहीं करता है। और ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है और बिजली को कंडक्ट करता है, और डायमंड जितना हार्ड नहीं है, और ये फुटबॉल जैसा होता है बकमिंस्टर फुलरेन। बताऊंगा सारी बातें, सीखते जाओ अभी। जो फिजिकली डिफरेंट और केमिकली सेम, यानी कि फिजिकली ये हार्ड है ये हार्ड नहीं है और ये फुटबॉल जैसा है, तो फिजिकली तीनों अलग अलग है। लेकिन अगर मान लो मैं इनको यूज करूं किसकी तरह, किसी रिएक्शन में यूज करने लग जाऊं, कहीं पे बर्तन में मिला दूं रिएक्शन करते समय, तो ये तीनों के तीनों अपनी बात पलटी खा जाएंगे और तीनों कार्बन की तरह ही काम करेंगे। मेरे ख्याल से आ गई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये प्रॉपर्टी कार्बन की आती है। इसके अलावा ना कार्बन की दो प्रॉपर्टी और बहुत अच्छी है जो डिटेल में पढ़ेंगे। देखो बताता हूँ आपको मैं, ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी। अगर नहीं आई तो पॉज करो और पीछे जाओ फिर से देखो। देखो फोर्थ जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन, सॉरी थर्ड। और फोर्थ होती है टेट्रावेलेंट। कैटिनेशन और टेट्रावेलेंट। अब देखो इस शब्द को पकड़ के रखना है जो लिखा है मैंने यहां पे। पहले टेट्रावेलेंट बताते हैं फिर कैटिनेशन पढ़ेंगे। टेट्रावेलेंट, इससे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कार्बन जो अपना है ना एलिमेंट, ये अपने चार इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है लास्ट शेल में आठ पूरे करने के लिए। अगर ये बात हैवी पड़ रही है तो इससे याद करो कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपनी जो है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए सिर्फ चार बॉन्ड बनाता है, और उस चार बॉन्ड बनाने वाली कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट। यानी कि चार बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट बोलते हैं। देखो क्या होता है टेट्रावेलेंट में, जैसे एक कार्बन ये रहा, एक दो तीन चार, ये चार बॉन्ड बनाएगा। यहाँ आप चार बॉन्ड के साथ इसको जोड़ सकते हो। जैसे मान लो और कार्बन आ जाए ऐसे, ये कार्बन ये बना लिया, ये कार्बन ये बना लिया, ये कार्बन ये बना लिया, ये कार्बन ये। देखो इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 चार हो गई, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से आगे बात समझ में। टेट्रावेलेंट का मतलब ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन की। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? कैटिनेशन भी टेट्रावेलेंट से ही रिलेटेड है थोड़ी। होती क्या है, कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, ये बात क्लियर हो गई है। कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा? चार बॉन्ड फॉर्म करेगा। लेकिन एक खतरनाक और डेंजरस बात ये थी कि कार्बन चार बॉन्ड तो बना ही सकता है, इसके साथ साथ ये चार बॉन्ड इटसेल्फ खुद के साथ तो बना लेगा। और ऐसे और भी हैं जो खुद के साथ बना लेते हैं, लेकिन कार्बन के लिए इस प्रॉपर्टी को इसलिए बोला गया क्योंकि इटसेल्फ खुद के साथ तो बना ही लेगा, खुद के साथ तो बना सकता है, साथ ही साथ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, साथ ही साथ क्या करेगा, अदर्स के साथ भी बना सकता है, अदर्स एटम्स के साथ भी बना सकता है। क्या बना सकता है? रिश्ते, रिलेशन। कैसे रिलेशन? बॉन्ड्स बना सकता है। अरे कितने बॉन्ड बनाएगा? चार बनाएगा। समझ में आया? इसकी इसी खास प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोला गया है। अब मैं दिखाऊंगा तुम्हें करके कि जो हम पढ़ रहे हैं कि भाई पांच प्रॉपर्टी हमने अभी अभी पढ़ी हैं, जिनमें से हमने एक बात ये जान ली है टेट्रावेलेंट होता है, एक बात साथ साथ ये जान ली है कैटिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि टेट्रावेलेंट और एलिमेंट नहीं हो सकते, और एलिमेंट भी हो सकते हैं टेट्रावेलेंट। जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन भी हो सकता है टेट्रावेलेंट,
क्योंकि सिलिकॉन भी ऐसे ही कर सकता है, जैसे मैं यहाँ सभी जगह से कार्बन को हटा दूँ मान लो, तो यहाँ मैं सिलिकॉन लिख सकता हूँ, ये देखो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, तो सिलिकॉन टेट्रावेलेंट है, बट सिलिकॉन कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसी वजह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो कार्बन शो कर रहा है, इसमें देख रहे हो ना आप कि कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और इस वजह से कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बना सकता है? चार बॉन्ड एक सेल खुद के साथ तो बना सकता है, साथ ही साथ अदर एटम के साथ भी बना सकता है। अब मान लो ये कार्बन आ गया, ये देखो ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, और यहाँ कोई और एलिमेंट जुड़ जाए, फिर से कार्बन आ जाए, फिर और एलिमेंट जुड़ जाए, यहाँ कोई और एलिमेंट जुड़ जाए, यहाँ कोई जुड़ जाए, यहाँ कोई जुड़ जाए, मान लो यहाँ कोई जुड़ जाए, फिर कार्बन, फिर यहाँ कोई जुड़ जाए, तो इस हिसाब से कार्बन जो है बहुत बड़ी चेन इस तरीके से फॉर्म कर सकता है। दिख रही है ना? यानी कि यहाँ कोई एलिमेंट जुड़ जाए, यहाँ जुड़ जाए, कार्बन हर एक के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है। अगर मैं सीधी सी बात कहूँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स आते हैं। कितने आते हैं? 118। उन 118 एलिमेंट्स के आप कंपाउंड बना लो, और अकेले कार्बन के कंपाउंड बना लो, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये इतने सारे कंपाउंड और इतनी बड़ी बड़ी चेन्स बना सकता है। मेरे ख्याल से तो आ गई बात समझ में। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी यही होती है। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ गया? अब मैं इसके कंपाउंड आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। कार्बन कंपाउंड बनाएगा, कार्बन एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएगा, एक से ज्यादा चेन बनाएगा, और उन सभी चेन्स को, उन सभी कंपाउंड को आपको डिटेल में बताऊंगा मैं, बेफिक्र रहो आप। लेकिन उससे पहले हमने जो इसके तीन एलोट्रोप पढ़े हैं अभी अभी, एक तो पढ़ा है डायमंड, एक पढ़ा है ग्रेफाइट, और एक पढ़ा है बकमिंस्टर फुलरिंग। एक बार थोड़ी सी डिटेल उनकी ले लेते हैं, और फिर मैं आपको इनके सारे बताऊंगा। समझ में आ गई बात? चलो, तो पहले हम उन तीनों एलोट्रॉप्स को पढ़ेंगे। उससे पहले आप मेरे को बताओ कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ। अभी अभी बताया, शाबाश, बताओ एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। वेरी गुड, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ, बताओ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अभी अभी बताया ना मैंने, कितने होते हैं बता दो। एक होता है डायमंड, और एक होता है ग्रेफाइट। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ग्रेफाइट से प्यार जरूरी है सनम। बकमिंस्टर फुलरेन, डायमंड मैंने बताई दिया पहली बात, हार्डेस्ट, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। कैसा है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। नंबर दो, ट्रांसपेरेंट। कैसा है? ट्रांसपेरेंट, कैसे? जैसा ग्लास, ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास। और नंबर थ्री, बोला जाए तो कंडक्ट करेगा। क्या कंडक्ट करेगा रे? अरे बोलो रे, कंडक्ट करेगा हीट को, और हीट को कंडक्ट करेगा, हीट को कंडक्ट करेगा। आप समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं? कंडक्ट, सॉरी गलत लिख दिया हमने इसे, गलती तो होती है किसी से भी। कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा किसे? ना हीट को और ना इलेक्ट्रिसिटी को, समझे? ना ही बिजली को कंडक्ट करेगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इस ग्रेफाइट को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, हमारा बोर्ड छोटा रह गया यार, क्या करें क्या ना करें। ग्रेफाइट लिख देता हूँ, उसको बाद में पढ़ लेंगे क्या हो गया। ये देखो, ये लिख दिया हमने ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट को अगर हम बात करें, सबसे पहली ओनली नॉन मेटल, ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट, विच कंडक्ट किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। किसको कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को। छिछी छि छि छी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। नंबर टू, और क्या लिख सकते हैं? न न न न रे न रे न रे, इसका स्ट्रक्चर लिखें। जैसे इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो इसका तुम लिखोगे स्ट्रक्चर, इसका होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका, टेट्राहेड्रल। और इसमें हर एक आइटम एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से चिपका होता है। इसका क्या होता है? हेक्सागोनल लाइक, हेक्सागोनल लाइक।
वैसे स्ट्रक्चर पे ज्यादा जाओ मैं तभी इतना ही बता देता हूँ तुम्हें, ओनली नॉन मेटल होगा मेरे ख्याल से। तो आ गई बात समझ में, ये थे हमारे ग्रेफाइट और डायमंड और जो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। और इसके अलावा अगर आप लिखेंगे तो ये होता है ग्रे इन कलर और स्लिपरी टू टच। कलर में कैसा होगा, ग्रे होगा और स्लिपरी होगा टच में। जैसे ये क्या था, ये ट्रांसपेरेंट था जैसे ग्लास होता है, ये क्या होगा नंबर थर्ड ग्रे इन कलर और नंबर फोर स्लिपरी इन टच। स्लिपरी इन टच, ग्रे इन कलर और स्लिपरी इन टच। मेरे ख्याल से तो आ गया समझ में सभी को, ग्रे इन कलर और स्लिपरी इन टच। क्लियर है, समझो रे समझो रे समझो रे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं आगे से हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर है, चलो भाई चलो शाबाश। ये लो नंबर थर्ड हमारा जो एलोट्रॉप आएगा उसका नाम बता दो जरा। बता दो याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बताया था। बकमिनिस्टर फ्लोरीन क्या होता है, ये तीसरा थर्ड एलोट्रॉप होता है भाई। क्या होता है, थर्ड एलोट्रॉप होता है और नंबर टू फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। कैसी होती है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है भैया इसकी, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को, जिसके अंदर कार्बन 60 एटम्स के अरेंजमेंट होते हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें आ गया है, अगर आ गया है तो आप अच्छे से समझिए, हम यहीं तक लेके चलेंगे इसे, आगे नहीं लेके जाएंगे। कर दे रहा, ये थे एलोट्रॉप जो हमने कार्बन के अभी अभी सीखे हैं, तीनों एलोट्रॉप। पहला एलोट्रॉप डायमंड, दूसरा एलोट्रॉप ग्रेफाइट एंड थर्ड एलोट्रॉप हमने जान ही लिया है। ये देखो हमारे बाल कैसे हो रखे हैं। और थर्ड एलोट्रॉप हमने जान ही लिया है, क्या नाम लिखा उसका, बकमिंस्टर फुलरे। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम जानेंगे कि जो कार्बन ने अभी अभी किया है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो की है, जिसके अकॉर्डिंग कार्बन अब अपने से रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, उन्हीं कंपाउंड्स को समझेंगे हम। सही है, जैसे मैंने बताया कि कार्बन कंपाउंड बनाएगा, जैसे मान लो कार्बन बनाएगा कंपाउंड, तो कुछ इस तरीके से कार्बन ने कंपाउंड बनाया। ये देखिए आप, जैसे ये रहा कार्बन, चार बॉन्ड बनाता है, बता ही दिया पिछली वीडियो में, नहीं देखी तो जाके देखो एक बार। कार्बन ने मान लो हाइड्रोजन आ गया यहाँ से, चुकु चुकु चार चिक 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 ऐसे बढ़ के आ रहा है इसकी तरफ, नहीं 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 यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बढ़ के आ रहा है, टुक 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 यहाँ से आ रहा है, टुक 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 टुक। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, मीटिंग हो गई, प्यार हो गया, कार्बन का कंपाउंड बन गया, कुछ इस तरह से देखो देखो देखो, कौन है वो, कहाँ से आया, कौन है वो, मैं हूँ डोन। देखा बन गया ना कार्बन का कंपाउंड, मीटिंग होने के बाद ये बन गया कार्बन का कंपाउंड। मैंने क्या कहा था, कार्बन खुद के साथ भी बना सकता है और दूसरों के साथ भी बना सकता है। अब देखो तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना कंपाउंड, कार्बन ने कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन के साथ, कार्बन ने कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन के साथ। सो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे इनको, हाइड्रोकार्बन का नाम देंगे। जब कार्बन कंपाउंड बनाए, कार्बन ने कंपाउंड बनाया हाइड्रोजन खुद के साथ, तो हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लो कार्बन ले लिया, ये रहा कार्बन, अब ये कार्बन एक दो तीन चार बॉन्ड बनाएगा, फिर से कार्बन एक दो तीन चार बॉन्ड बनाएगा, दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए, यहाँ से हुआ है प्यारी ने, ये जुड़ गया, और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन रे। नहीं समझे, समझे ना तो समझिए। फिर से लिया एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये जुड़ा, ये जुड़ा, अब ये कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, चार बनाता है, एक बना लिया, एक दो तीन, एक यहाँ बनाया तो एक दो तीन ही तो बनाएगा। अरे समझो यार, एक बॉन्ड यहाँ बना लिया तो तीन बॉन्ड ही तो बनाएगा, और इस कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ बना लिया तो दो और बनाएगा, एक दो, आसान सी तो बात है। इस कार्बन ने यहाँ बना लिया एक बॉन्ड तो तीन और बनाया, एक दो तीन, समझो क्या बता रहा हूँ, इस कार्बन ने यहाँ बॉन्ड बना लिया एक, तो एक दो तीन हो गए चार बॉन्ड, ऐसे फॉर्म होते हैं बॉन्ड, तो बन गए ना। अब जहां जहां पर इसने बॉन्ड खाली छोड़ रखे हैं वो हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। सर हाइड्रोजन ही क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि हाइड्रोजन को जोड़ने का कारण ये होता है सबसे लाइट होता है और इजिली कंबाइन हो जाता है,
इसके वह काम पूरा हो जाता है और इसका ये तीनों हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया है। इसके अलावा एक चीज और दिखाते हैं हम, अब इनका नाम लिखना सीखेंगे पहले बाद में सीखेंगे। और ये तो हाइड्रोकार्बन है, आप इसको ध्यान से देखिए एक बार, इस कार्बन की चेन को आपको कहीं भी डबल लाइन लिखी हुई नहीं मिलेंगी, सभी जगह सिंगल लाइन, एक सिंगल सिंगल सिंगल, यहां भी सिंगल लाइन। सिंगल है हम। अरे सर सिंगल सिंगल मत बोलिए, दिल पे हाथ मत रखिए, दुख तिरक पे हाथ रख दिया तुम्हारा है, सोना मोना पिंकी पिंकी पूजा जो भी है तुम्हारी सबके ऊपर हाथ रख दिया मतलब तुम्हारे समझ रहे हो। देखो तो क्या हो गया, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये सिंगल जो बॉन्ड है, इसके अलावा कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है। ये देखो, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, एक दो तीन चार बॉन्ड ये बनाएगा, बना सकता है, हाँ जी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, चार बॉन्ड ये बना सकता है। अब मान लो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया आपस में, ए लो बॉन्ड, आजकल शादी का सीजन चल रहा है, बॉन्डिंग तो हो ही रही है यहाँ से ये बॉन्ड बन गया, यहाँ से इन दोनों ने उठा करके यहाँ से ये बॉन्ड बना लिया, तो हो गया ना डबल बॉन्ड। जहां जहां खाली जगह बची फिर से हाइड्रोजन डाल दिया ऐसे, समझे। मान लो एक और ले लिया, तीन कार्बन ले लिए, ये ले लिए तीन कार्बन। अब देखो एक दो तीन, मान लो इन दोनों ने उठा करके यहां से एक और डबल बॉन्ड बना लिया, ये लो एक और डबल बॉन्ड बन गया, सही बात है। अच्छा जी ती, अब जैसे ये तो हो गया हमारे, और जहां जहां खाली जगह वहां हाइड्रोजन दे दिया। मैं समझाना क्या चाहता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझा, समझने की कोशिश करो भाई, हम क्या कर रहे हैं, कार्बन के कंपाउंड बना रहे हैं, समझ रहे हो। जो अभी अभी कैटिनेशन पढ़ा है कि कार्बन खुद के साथ बॉन्ड बना सकता है और दूसरों के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ये दिखा रहा हूं करके, ये देखो कैटिनेशन ये कर रहा है काम। अब तुम खुद देखो, मैंने पहले एक कार्बन लिया, फिर दो लिए, फिर तीन लिए, चार ले लूं, पांच ले लूं, छह ले लूं, सात ले लूं, कितने ले सकता हूं, बहुत ज्यादा ले सकता हूं, यही तो प्रॉपर्टी है यार, समझो ये प्रॉपर्टीज है, तो क्लियर होके समझो यार, समझ सही है ना। तो हाइड्रोकार्बन की तीसरी कैटेगरी, मान लो ये कार्बन है, चार बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 हो गए। मान लो यहां से उठ करके आया, एक बॉन्ड बन गया, ये देखो ये बना बॉन्ड, ये उठे हम भी करेंगे प्यार की बातें, ये बॉन्ड यहां से मान लो ये उठा और ये बन गया, तीन बॉन्ड बन गए, ये जगह का ये बॉन्ड है और ये तीसरा बॉन्ड बन चुका है, समझो। तो देखो यहाँ खाली जगह हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, अब देखो तीसरा बॉन्ड आ गया, तीन बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन, एक और लो तीन कार्बन की चेन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 यू नो, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक ठाक। अब मान लो यहाँ से ये बॉन्ड उठ के आया, ये बन गया इन दोनों की मदद से, यहाँ से ये उठ के आया, ये बन गया इन दोनों की मदद से, ठीक है। और जहाँ जहाँ खाली जगह हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन ही क्यों सर, अभी अभी बताया था हाइड्रोजन हल्का एलिमेंट होता है, आसानी से कंबाइन हो जाता है, इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं, अभी अभी बताया था ना, हाइड्रोजन हल्का होता है, आसानी से कंबाइन हो जाता है, इसीलिए प्रेफर करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ना, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं, सिंगल बॉन्ड के हो सकते हैं, ये रे सिंगल बॉन्ड के इधर, डबल बॉन्ड के हो सकते हैं, ये रे डबल बॉन्ड के इधर, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के हो सकते हैं, ये रहे नीचे ट्रिपल बॉन्ड्स के इधर। मेरे ख्याल से तो आ गया, ये डबल बॉन्ड वाले रहे और ये ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स रहे। तो कुल मिला के हाइड्रोकार्बन्स की मैंने तीन कैटेगरी आपको सिखा दी है, जो कि मैंने कैटिनेशन प्रॉपर्टी से सीखी थी, कैटिनेशन का उसका गुण पढ़ा था उससे मैंने आपको बता दी है। तो हाइड्रोकार्बन तीन तरीके के होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो यार, चार बॉन्ड बनाएगा, चार ही बनाए हैं, कभी सिंगल बॉन्ड के साथ कंपाउंड बनाया है, कभी डबल बॉन्ड के साथ कंपाउंड बनाया है, कभी ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंबाइन बनाया है। हाइड्रोजन और कार्बन की मौजूदगी की वजह से, प्रेजेंस की वजह से मैंने क्या लिख दिया उसे, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स। मेरे ख्याल से आ गया समझ में, क्लियर हुआ है नहीं हुआ, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। आगे से अगर कोई तुम्हें पूछे तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे और आसानी से बता दोगे। अब मैं तुम्हें कराऊंगा नेमिंग, और नेमिंग करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी चीजों को समझेंगे। तो बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रेडी हो जाइए, आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दीजिए। इसमें नेमिंग सीखने के बाद आपको 11th 12th तक बहुत फायदा देगी। इवन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, चाहे वो कोई भी पेपर हुआ, किसी भी पेपर के लिए आप पढ़ेंगे, तो आपको बहुत यूजफुल और दिमाग के साथ आंसर देना होगा और आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। ये क्लियर है, कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन, तीन, सिंगल डबल ट्रिपल, तीन टाइप के हाइड्रोकार्बन। चलो कर दूं रहा, ठीक है जी, ये लो। मेरे ख्याल से तो आ गई बात समझ में,
अरे रे रे यूं तो अकेला भी अक्सर ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना हो। डबल 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 डब्बा। ठीक है, तो नेमिंग करने से पहले मैं एक बार फिर से वही चीज लिख देता हूं जो अभी लिख के आया हूं। ये देखो मेरा कार्बन यहाँ पे लिख दो यहाँ लिख देता हूँ। चलो ये रहा कार्बन, रहा ये चार बॉन्ड 1 2 3 4 हर जगह हाइड्रोजन 1 2 3 4 है ना, चार बॉन्ड चार हाइड्रोजन। ये रहे दो कार्बन, इक्का दुआ तिया, इक्का दुआ तिया चौवा, ये रहा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 आया नहीं आया समझ में? अरे कंपाउंड ही तो लिखे हैं यार, समझो हो गया ना। ये देखो अब मैं यहाँ लिखूंगा डबल बॉन्ड वाले, देखो यहाँ पे ये रहा एक डबल बॉन्ड बना लिया कार्बन ने यहाँ। ये देखो फिर से लिख देता हूँ सिंगल के साथ पहले, ये देखो ये रे कार्बन, ये सिंगल सिंगल है ना सारी जगह, मान लो यहाँ से उठ के आए और इन्होंने बना लिया है डबल बॉन्ड, सही है। यहाँ हाइड्रोजन दे दो, यहाँ हाइड्रोजन दे दो, यहाँ दे दो और यहाँ पर दे दो, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, यहाँ देखो फिर से 1 2 3 तीन कार्बन वाले बना लिए मैंने फिर से, यही हाइड्रोजन। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? चार। इस कार्बन के चार बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। इस कार्बन के लिए चार बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए गिनो, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो मान लो इन दोनों की वजह से यहां से हाइड्रोजन हटाओ और इन दोनों ने क्या बना लिया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आ गया फिर से डबल बॉन्ड का कंपाउंड। मेरे ख्याल से तो घुस गई दिमाग में बात, घुस गई ना इतनी सी बातें समझ में है आई। ये देखो दो कार्बन लिए फिर से चार बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ से इसको हटाओ, ये बॉन्ड बन गया इन दोनों की वजह से यहाँ फिर बॉन्ड बन गया ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन आ गया ना ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आ गया। अब तुम्हें क्या करना है अब नेमिंग के लिए, जैसे अभी मैं तुम्हें नेमिंग लिख के दिखाता हूँ। देखो ये रहा इस कार्बन के लिए मैंने क्या नेमिंग लिखी है, मैंने उठा के लिख दिया मिथेन। क्या लिख दिया? मिथेन। सर आपको तो याद है, आप तो टीचर हो, आपको तो आता है, आप तो लिख दोगे, हम कैसे लिखेंगे? यही बात आती है, सिखाता हूँ तुम्हें लिखना। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कोड दूंगा तुम्हें, क्या दूंगा? कोड, उनको याद रखना है। अगर किसी चेन में कार्बन दिख जाए, क्या दिख जाए? कार्बन, एक कार्बन दिखे तो कोड लगाना होता है मिथ, क्या लगाते हैं? मिथ। दो कार्बन दिख जाए तो कोड लगाना आपको इथ, तीन कार्बन दिख जाए तो प्रोप, चार कार्बन दिखेंगे तो लगाना है ब्यूट, पांच कार्बन दिखेंगे तो पेंट, छह कार्बन दिखेंगे तो हैग्स, सात कार्बन के लिए हैप्ट, याद रख लेना इन्हें, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नन, और दस कार्बन आपको जैसे ही दिखेंगे डैक, समझे? और इसी के साथ एंड में ऐड करोगे क्या ऐड करोगे? सिंगल बॉन्ड दिखे तो ऐड करना है एन, ठीक है? डबल बॉन्ड आ जाए, चाहे पूरी चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक डबल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड को भूलो, डबल बॉन्ड के लिए इन ऐड कर दो। ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको ऐड करना है आइन। कईयों के दिमाग में आ रहा है एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए तो क्या करेंगे, उसके बाद में बताएंगे, पहले ये समझो जो सिखा रहा हूं। हाँ देखो अब मैंने कैसे किया, एक कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, अरे ध्यान से देखो एक बार देखो सारे, एक कार्बन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, एक कार्बन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये रहा एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए मैंने सबसे पहले लगाया मिथ। क्या लगाया? मिथ। अब ये देखो सारे चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, दिख रहे हैं सिंगल बॉन्ड, और मैंने अभी अभी बताया सिंगल बॉन्ड दिखते ही एन ऐड करना है, तो क्या ऐड कर दिया मैंने? एन, हो गया ना मिथेन। क्लियर हुआ? यहाँ देखो दो कार्बन है, एक दो, दो कार्बन जब दिख जाए तो क्या लगाना है? कोड इथ। क्या लगाना है? इथ लगाना है, ये रहा इथ, तो मैंने लगा दिया इथ, सही बात है। सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड है और ऐसे ही देखना है, कार्बन और कार्बन का ही बॉन्ड देखना है, अगर कार्बन ज्यादा है तो, अगर कार्बन एक ही है तो फिर सिंगल ही मानते हैं उसे। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा है देखो यहाँ पे, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने अभी अभी बताया क्या ऐड करना है? एन, तो प्लस कर देंगे एन, तो क्या हो गया? इथेन। आ गया समझ में? देखो दो कार्बन थे इथ, सिंगल बॉन्ड था एन लिख दिया,
यहां देखो एक और एक दो, दो कार्बन के लिए फिर से क्या लिखेंगे इथ, और डबल बॉन्ड आ गया अब, और डबल बॉन्ड के लिए मैंने अभी अभी बताया था क्या लिखना है, डबल बॉन्ड आ जाए तो इन, तो लिख देंगे क्या इथीन। घुस गई दिमाग में बात, शाबाश। यहां देखो एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोप, सही बात है, और डबल बॉन्ड आ जाए तो क्या लिखेंगे इन, क्या लिख देंगे इन, हो गया प्रोपीन, समझ में आ गया। एक दो तीन कार्बन थे, तीन कार्बन के लिए प्रोप लिख दिया, ये लिखा हुआ, डबल बॉन्ड आ गया इन प्रोपीन। यहां देखो एक दो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए फिर से क्या लिखूंगा इथ, और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ये रहा ट्रिपल बॉन्ड, ठक 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 ठा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो क्या ऐड करना है आइन, इथाइन, समझे, क्लियर हो गया। नहीं हुआ वीडियो को पॉज कीजिए और पीछे जाइए और फिर से देखिए, एक दो नेमिंग और सिखाता हूं, देखो रफ कर दूं, कर दूं रफ, ठीक है शाबाश। देखो तो देखिए यहां पर अब हम अगला लेते हैं, तेरे बिना जिंदगी का गुजरा नहीं, ये देखो ये लिया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, ये देखो ना, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अरे बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, किसी को हाइड्रोजन नहीं दिख रहा हो ये तो अपने मुंह पे पानी मारिए और देखिए दिख जाएगा। देखो एक दो तीन चार, चार कार्बन, चार कार्बन के लिए क्या कोड लगाना है ब्यूट, क्या लगाना है ब्यूट, और डबल बॉन्ड आ जाए तो इन, सही बात है, हाँ जी सही बात है। अब देखिए एक और ये ले लिया, जैसे मैंने एक दो तीन चार, 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 ये डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन 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 न न, दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हैग्स, और डबल बॉन्ड आया है इन। मेरी बात हमेशा याद रखना, जो बता रहा हूँ उसको सीखते जाना कि भाई हमेशा अगर डबल बॉन्ड आएगा तो आपको सिंगल बॉन्ड भूल करके डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है और उसकी जगह इन लगा देना है, इन की जगह। अब देखो अब ना तुम्हारी बुक्स वाले एक चीज और खेलेंगे तुम्हारे साथ, वो नेमिंग में क्या करेंगे, वो ऐसे लिख देते हैं, इस नाम को लिखेंगे, इस नाम को कोई लिखोगे कोई गलत नहीं है, ये ऐसे लिख देते हैं ब्यूट वन इन। सर आपने पहले तो नहीं लिखा, क्यों लिखा, हमने लिख दिया, सिखाएंगे तुम्हें। देखो यहां देखो ये वन कहां से आ गया बीच में, कबाब में हड्डे, ये बी एफ, ये बॉयफ्रेंड ये गर्लफ्रेंड, और बीच में आ गया है फ्रेंड, बॉयफ्रेंड ये गर्लफ्रेंड और बीच में आ गया इनका फ्रेंड। रोकेंगे कैसे, देखो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, यानी कि मैं ऐसे चल रहा हूं और कार्बन को दे रहा हूं नंबर, क्या दे रहा हूं कार्बन को नंबर, और जब मैंने कार्बन को नंबर दिया, गिनते गिन रहे हो एक तरीके से, तो फर्स्ट कार्बन पे ही, फर्स्ट कार्बन के तुरंत बाद डबल बॉन्ड आ गया। देखो मैं ऐसे चल रहा हूं, कार्बन को दे रहा हूं नंबर, और नंबर दिया तो फर्स्ट कार्बन के तुरंत बाद डबल बॉन्ड आ गया, इसीलिए वन लगा के फिर इन लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए तो इन लिख देंगे, वन के लिए वन ही लिखना पड़ेगा, और अगर वन हो तो हटा सकते हैं, ऐसा कहती है हमारी साइंस, तो इसलिए सीधा लिख सकते हैं ब्यूट वन इन को ब्यूटीन, इसलिए मैंने ब्यूटीन लिखा। यहां भी यही केस था, नंबर दो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जब मैं ऐसे चला कार्बन को नंबर दिया तो पहले नंबर पे मेरे को डबल बॉन्ड के, पहले नंबर वाले कार्बन के तुरंत बाद डबल बॉन्ड मिल गया, तो मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं हैग्स वन इन, क्या लिख सकता हूं हैग्स वन इन। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है भाई, समझे, एक दो चीज और कराता हूं फिर आएगा तुम्हें समझ में, इतना तो आ गया होगा, तो कंफ्यूज ना हो और समझे। इसके अलावा ना एक चीज और रखना, कई बच्चे सोच रहे हैं सर यहां से भी तो नंबर दे सकते हैं, यानी कि हम ऐसे चल के आए हैं, ऐसे चल के क्यों नहीं गए, ऐसे चल के जाना, देखो नंबर दो ऐसे चल के कार्बन को, वन टू ठीक है, फिर दिया थ्री, फिर दिया फोर, अब देखो थर्ड नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया है। जब तुम ऐसे चल रहे हो, जब तुम ऐसे कार्बन को नंबरिंग दे रहे हो, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड, और थर्ड नंबर वाले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया है, और हमेशा कार्बन को नंबरिंग वहां से देनी है जहां से ये वाला डबल बॉन्ड नजदीक मिले। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं ना, तो मुझे यहां से डबल बॉन्ड नजदीक मिल रहा है, वह फर्स्ट कार्बन के तुरंत बाद,
और जब मैं ऐसे नंबर दे रहा हूं कार्बन को तो थर्ड कार्बन के तुरंत बाद डबल बॉन्ड मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं इस तरीके से चल के कार्बन को नंबरिंग नहीं दूंगा, ऐसे चल के कार्बन को नंबरिंग दूंगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ गया है मेरे अकॉर्डिंग तो, अगर नहीं आया तो हम बताएंगे आपको फिर से करा के, सही है? ठीक है, चलो रफ करता हूं यहां से। चलो भाई शाबाश। जीना इसी का नाम है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। जैसे देखो सी एक दो तीन, सी एक दो तीन चार, एक दो तीन चार यहां आ जाए, मान लो डबल बॉन्ड करो बैलेंसिंग, एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रो, अल्लाह हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो कार्बन गिनो, 1 2 3 4, चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? अभी बताया था ब्यूट, क्या लिख देंगे? ब्यूट। अरे रे रे रे, ब्यूट लिख दिया, ब्यूट। अब सेकंड कार्बन के तुरंत बाद डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के तुरंत बाद डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2-ene, और फर्स्ट आता यहां वन आता तो मैं लिख सकता था 1 को हटा करके सीधा ब्यूटीन लिख देता, लेकिन अब 2 आ गया तो 2 को नहीं हटाना, लिखा रहने देना है, इसे छेड़ना नहीं है, ये परमानेंट हो गया है, अब तुम्हारा रिश्ता बनेगा नहीं ईन के साथ, अब अलग अलग हो चुके हैं, ब्यूट अलग ईन अलग, 2 आ गया बीच में, 1 नंबर आता तो हटा देते, छोटा नंबर था छोटा आदमी था हटा दिया, 2 नंबर आ जाए 3 नंबर आ जाए 4 नंबर आ जाए तो नहीं हटाना है, तो हम लिखेंगे ब्यूट 2-ene, इसका नाम लिखेंगे। समझ में आ गया ना? क्लियर है? आसान है, आसान है। एक और देखो, जैसे अब एक चीज और याद रखना भाई, हाँ बता रहा हूं, इस कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, ध्यान से देखो, ये कार्बन है इसके पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, मैंने लिख दिया इसको CH3 और ये सिंगल बॉन्ड एज इट इज, इस कार्बन के पास 1 2 2 हाइड्रोजन है, मैंने लिख दिया CH2, सही बात है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये लगा दिया, इस कार्बन के पास 1 2 2 हाइड्रोजन है, मैंने लिख दिया CH2, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये लगा दिया, इस कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, मैंने लिख दिया CH3, आ गया समझ में? ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसको और करके मैं एक तरीका और है, इसको ऐसे लिख दो CH3 CH2 CH2, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे 1 2 3 4, चार कार्बन को क्या लिख दिया? CH4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3, 10 हो गए तो लिख देंगे C4H10, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ये तीन तरीके, फर्स्ट तरीका ये, सेकंड तरीका ये, थर्ड तरीका ये, वीडियो को पॉज कीजिए पीछे जाके देख लीजिए अगर समझ नहीं आया तो, क्लियर हो गया? एक और नेमिंग सिखाता हूँ आपको, देखिए अब ध्यान से, अब मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधी नेमिंग सिखाता हूँ, देखो CH2 देखो CH3 CH2, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH3। अब देखो गिनो कार्बन को, यहाँ 1, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मुझे थर्ड नंबर के कार्बन के बाद मिल रहा है डबल बॉन्ड, और अगर मैं ऐसे चलता हूं, ऐसे ऐसे चलो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, सही है, तो मुझे सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड मिल रहा है, देखो जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मुझे थर्ड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड मिल रहा है, और जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो हम हमेशा वही नंबरिंग देंगे, उसी नंबरिंग को प्रेफर करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, यहां से सेकंड पे, यहां से थर्ड पे, तो ये वाली हम नहीं लेंगे, ऊपर वाली में सेकंड से मिल रहा है तो वही लेंगे, इसको नहीं लेंगे हम, तो ये आ गया 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन के लिए लिख दो पेंट, सेकंड पे डबल बॉन्ड 2-ene, क्या हो गया? पेंट 2-ene, आ गया समझ में नेम लिखना? एक और दिखाता हूं, ये देखो CH3 CH2, फिर आ गया CH2, फिर ले लो यहाँ C डबल बॉन्ड, ये ले लिया CH CH3, ये ले लिया, इसकी नेमिंग करो, जैसे यहाँ देखो मैं यहाँ से गिनूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, 4 नंबर के बाद डबल बॉन्ड, जब मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चलो यहाँ से चल के देखना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ,
ये फिर से फिफ्थ और ये सिक्स्थ। जब मैं यहां से चल रहा हूं, दिख रहा है तुम्हें, साफ दिख रहा है ना, देखो, अरे ये देखो, जब मैं यहां से चल रहा हूं तो मुझे थर्ड नंबर के बाद मिल रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर से चल रहा हूं तो मुझे सेकंड नंबर के बाद डबल बोन मिल रहा है। तो मैं कौन सी लूंगा नेमिंग नंबरिंग? ऊपर वाली, क्योंकि वहां से मुझे डबल बोन सेकंड नंबर पर मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो गया? इन छह कार्बन के लिए क्या कोड यूज करना है? हेक्स। तो लगाएंगे हेक्स और फिर लिखेंगे टू इन। क्या हो गया? हेक्स टू इन। मेरे ख्याल से तो आ गया समझ में, हेक्स टू इन, क्लियर हुआ? देखो एक नेमिंग आपको देता हूं करके दिखाना, आपसे हो जाए तो वीडियो को पॉज करना और बताना। ये देखो सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। चलो वीडियो को पॉज कीजिए, एक और नेमिंग देता हूं आपको सी एच थ्री, यहाँ से सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री सॉरी सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। चलो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको निकालिए। चलो नेमिंग लिखिए, इसके कॉपी पेन निकालो, वीडियो को पॉज करो और निकालो। चलो ट्राई करो, कर लिया सभी ने? कर लिया ट्राई? चलो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ओके स्कूल वाली लाइफ, यस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां से नंबर दो, वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स ये सेवन। जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मुझे थर्ड नंबर पे क्या मिल रहा है? डबल बोन। ऊपर से चलना ऐसे, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ है, यहां से ये फिफ्थ ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ। यानी कि जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मुझे फोर नंबर पे मिल रहा है। तो यानी कि यहां से मिल रहा है थर्ड नंबर पे डबल बोन और यहां से मिल रहा है फोर्थ नंबर पे। तो हम ऊपर वाली को हटा देंगे क्योंकि हमें वहां से नंबरिंग लेनी है जहां से कार डबल बोन्ड क्या हो नजदीक हो, वो नहीं लेनी जहां से क्या हो सिंगल दूर हो थोड़ा डबल बोन्ड। तो छह का सात कार्बन के लिए कोड क्या होगा? हेप्ट। तो हम लगाएंगे हेप्ट और थर्ड नंबर पे है तो लिखेंगे थर्ड इन। क्या लिख देंगे? हेप्ट थ्री इन। इसके लिए लिखो वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव ये सिक्स। जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मुझे फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बोन्ड मिल रहा है, तो यहां से चलने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहां से चलोगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव पे मिलेगा, तो यहां से चलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो कितने हो गए? छह कार्बन, हेक्स वन इन। और अब देखो भाई, वन आ गया, छोटा आदमी आ गया, छोटा नंबर आ गया, तो हटा दो, वन हटा सकता हूं। तो मैं वन हटा करके क्या लिख सकता हूं बता सकते हो? सीधा और करके क्या लिख दूंगा मैं? हेक्सीन। क्या लिख दिया मैंने? हेक्सीन। मेरे ख्यालों की मलिका सितारों की रानी तेरा मुस्कुरान। समझ में आ गया या नहीं आया? इजी था? चलो समझ में आ गया होगा सभी को। चलो शाबाश, मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, घर पे बैठ के इनकी नेमिंग लिखना और कमेंट सेक्शन में नेमिंग जरूर बताना। ये देखो सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड ये इसकी नेमिंग बतानी है कमेंट सेक्शन में, आपको इनकी नेमिंग करके बतानी है। इसकी भी नेमिंग बतानी है आपको, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। इसकी भी नेमिंग बतानी है आपको थर्ड, इसकी बतानी है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। ठीक है, इनकी नेमिंग आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है मुझे। फोर्थ टेन ने चलो तीन ही बता देना, ठीक है? इन तीनों की नेमिंग आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है। चलो आ गया इतना समझ में? चलो भाई शाबाश, कर दूँ रफ कर दूँ। अच्छा सॉरी सॉरी सर, लिखने तो दो। लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं सामने से हट चुका हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट चुका हूँ सामने से तुम्हारे। ठीक है चलो कर दे रहा, शाबाश। ये लो भाई, ये है हमारी नेमिंग का तरीका। अब लेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड वाले। देखो ये ले लिया कार्बन हाइड्रोजन, ये ले लिया तीन कार्बन, इन दोनों ने मिलकर बॉन्ड बना लिया यहाँ पे, तीनों ने दिमाग खराब हो गया है सिर्फ कल पढ़ाते पढ़ाते। ये देखो इन दोनों की वजह से बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ से इसको हटा दो जरा, ये बन गया यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। सही बात है, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए इथ होता है सर, और वन आइन लिखूंगा सर। अब ये मत कहना क्यों, मैंने यहाँ से नंबरिंग दी वन, यहाँ से इसको नंबरिंग दी टू, फर्स्ट कार्बन के तुरंत बाद ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं यहाँ, देखिए।
और वन हो तो हटा सकते हो, तो सीधा लिख दो और करके क्या, इथाइन, क्या लिख दूंगा, इथाइन। तीन कार्बन, एक दो तीन, यहां से बन, मान लो यहां बन गया डबल बॉन्ड, यहां से ये बन गया डबल नहीं बॉन्ड बन गया ट्रिपल बॉन्ड बन गया भैया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, बैलेंस है नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन, अब बैलेंस है। देखो एक दो तीन, नंबरिंग दो, ये वन, ये टू और ये तीसरा, और फर्स्ट नंबर के तुरंत बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोप वन आइन, क्या लिखूंगा, प्रोप वन आइन, समझ में आ गया, क्लियर है सबको, और वन हो तो हटा सकते हो, अभी अभी बताया था, तो क्या लिख सकते हैं इसको, प्रोपाइन, क्या लिख सकते हो, प्रोपाइन। ये देखो सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच और सी एच, सी एच थ्री, इसकी नेमिंग बताओ, यहां से करो वन टू थ्री फोर, ऐसे चल रहा हूं मैं, तो ये पहला कार्बन, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे, सेकंड नंबर के तुरंत बाद ट्रिपल बॉन्ड, यहां देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहां भी सेकंड नंबर से, इसे कमाल हो गया, जब दोनों तरफ से सेकंड नंबर पे आ रहा है तो कोई भी लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ले लिया ये, तो आ गया ब्यूट टू आइन, क्या आएगा, ब्यूट टू आइन, यहां देखो ये लिख दिया सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी सी एच टू, सी एच थ्री, अब गिनो, अब नंबरिंग दो भैया, अरे नाता ना 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 ना। भैया मेरे राखी के बंधन को निभा, अरे गंदा गंदा गंदा, यहाँ लिखो सी एच थ्री, ये लिख दिया, ये देखो वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, थर्ड नंबर के बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ से गिनो, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, ये सेकंड नंबर के बाद आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम वही नंबर नेमिंग लेंगे जो नज़दीक से देगी, ऊपर वाली नज़दीक से दे रही है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली। तो पांच कार्बन के लिए क्या आ गया, पेंट टू आइन, क्या आ गया, पेंट टू आइन। एक और देखिए सी एच थ्री, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी एच थ्री, क्या ये लीजिए सी एच थ्री, इसकी नेमिंग बताइए, पॉज करो अपने आप निकालो, चलो वन टू थ्री फोर फाइव, स्कूल वाले लाइव, देखो वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, सेकंड नंबर के तुरंत बाद डबल बॉन्ड, अगर ऊपर से चलेंगे तो वन टू, मैं लिख ही देता हूँ, वन टू थ्री फोर, फोर नंबर के बाद डबल बॉन्ड, तो इसको मत लो यार, जब हमें ऊपर से लेना ही नहीं, ऊपर से नंबरिंग ही नहीं लेनी है तो हम क्यों लें उसको, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर पे दे रही है। ये देखो छः कार्बन हो गए, तो हैक्स टू आइन, हैक्स टू आइन, मेरे ख्याल से तुम्हें नेमिंग आ रही है, समझ में आ रही है सभी को, हैक्स टू आइन, क्लियर हो रहा है ना, आसान है, आसान है जिंदगी मेरी, क्लियर हो गया, चलो भाई शाबाश, हो ये था भाई हमारा यहाँ तक का सफ़र। इसके बाद मैं आपको नेमिंग दे रहा हूँ, फिर से घर से ट्राई करनी है, इसकी नेमिंग आपको लिखनी है खुद, इसकी नेमिंग आपको खुद लिखनी है, तीन और इसकी लिखनी है, सी एस थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच, और एक इसकी लिखनी है सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच टू, सी एच टू, सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच और सी एच टू, यहाँ ये हाइड्रोजन नहीं आएगा, इनकी आपकी नेमिंग लिखनी है, घर से ट्राई करनी है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है इनका नाम, ठीक है, कर दे रहा, शाबाश, ओके डन, ठीक है, अच्छा अच्छा, तो हम अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ उसी पे जो हमने अभी अभी सीखा, जैसे इसका नाम क्या था बता दोगे एक बार, एच 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 एच, नाम बताओ इसका, चलो जल्दी बताओ, अरे बताओ नाम, एक कार्बन है चारों तरफ हाइड्रोजन है, जल्दी नाम बताओ, बताओ चलो शाबाश, एक कार्बन मिथ
ये रहा आहारे आहारे आहा। सिंगल बॉन्ड एन मिथेन, सही है ना, यही तो नाम होगा, एक कार्बन मिथ सिंगल बॉन्ड एन मिथेन, सही है। इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, अभी तो सिखाया, देखो ये नहीं लिख सकता इसको मैं और करके CH4 मिथेन CH4। अब बिचलना नहीं है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना, कहीं ये को ये हो क्या गया, CH4 है मिथेन, कार्बन था लिख दिया, चार हाइड्रोजन है लिख दिए, बस इस कार्बन को ऐसे ही लिख दिया, एक दो तीन चार हाइड्रोजन लिख दिया H4, सही है। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैंने आगे चलाया हाइड्रोजन को, निकाल दिया हाइड्रोजन को, निकालो एक दो तीन चार, चार हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन को निकाल दिया एक को, तो कितने हाइड्रोजन रह गए, एक रह गया, दूसरा रह गया, तीसरा रह गया, ये जगह हो गई खाली, गलत तो नहीं कहा, चार हाइड्रोजन थे, तीन हाइड्रोजन निकाल दिए, एक जगह खाली हो गई। अब ये CH4 है, इसमें से भी मैंने क्या किया, चार हाइड्रोजन थे, एक निकाल दी, ये हो गया CH3 और ये जगह खाली, बात तो यही है ना, एक कार्बन ये रहा, तीन हाइड्रोजन ये रहे और ये जगह खाली, ये जगह खाली, कोई डाउट नहीं है, आसान है ना, हाइड्रोजन निकाल दिया, जगह खाली हो गई, बस और कुछ नहीं है। अब देखो कभी भी हाइड्रोजन रिमूव किया जाए, चार में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो अब इसका नाम क्या होना चाहिए, एक कार्बन के लिए तो मिथ, लेकिन पीछे लगा दो आई, समझ में आ गया, एक हाइड्रोजन निकला निकलते ही मिथाइल, एक हाइड्रोजन निकला निकलते ही मिथाइल, आ गया ना समझ में, मिथेन था एक हाइड्रोजन निकला CH4 मिथेन था, एक हाइड्रोजन निकला CH3 हो गया मिथाइल लिख दिया, आ गया समझ में, पक्का, ठीक है। देखो एक और सिखाता हूँ आपको, इसको हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, आपने इसको उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो पीछे जाइए फिर से उतार लीजिए। देखो अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये देखो टेणे नेणे, ये देखो मैंने CH3, इसको क्या बोलेंगे, एक दो, दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन इथेन, सही है। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या बच गया, CH3, CH2 और ये जगह खाली, क्या रह गया बता दो, बताओ एक बारी, चलो CH हाइड्रोजन निकाल दिया मैंने यहाँ से, CH3, CH2 और ये जगह खाली, इथेन नाम था, हाइड्रोजन निकलते ही इसको क्या लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा बताओ, इथेन में से हाइड्रोजन निकला निकलते ही इथाइल हो जाएगा ये, सही है। एक और देखो CH3, CH2, CH3, इसमें से हाइड्रोजन निकालना है, पहले इसका नाम, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन, एक हाइड्रोजन निकला निकलते होगा CH3, CH2 और ये भी CH2 और ये जगह खाली, एक हाइड्रोजन निकलते ये क्या हो गया बताओ, प्रोपाइल, क्या हो गया, प्रोपाइल, यानी कि प्रोपेन था, हाइड्रोजन निकलते ही प्रोपाइल हो गया, आ गया समझ में, प्रोपेन था एक हाइड्रोजन निकली प्रोपाइल हो गया, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है सभी को। एक और बात रखो, इस दो कार्बन है ना, एक दो, दो कार्बन को क्या लिख सकता हूँ C2, तीन और दो पांच हाइड्रोजन को H5, C2H5 भी लिख सकता हूँ, याद रखनी है ये बात, तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ देखो एक और दो, दो कार्बन के लिए C2, तीन और तीन छह हाइड्रोजन के लिए H6, कुछ नहीं है समझो, एक दो, दो कार्बन के लिए C2, तीन और तीन छह हाइड्रोजन के लिए H6, क्लियर हो गया। यहाँ देखो दो कार्बन के लिए C2, तीन और दो पांच हाइड्रोजन के लिए C2H5, आ गया होगा, आसान है, इसको इथेन, हाइड्रोजन निकलते ही इथाइल, इसको प्रोपेन, हाइड्रोजन निकलते ही प्रोपाइल, इसको भी लिख सकते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए C3, तीन दो पांच और तीन आठ, आठ हाइड्रोजन C3H8, ऐसे लिख सकता हूँ इसे मैं, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए C3, तीन दो पांच दो सात, ये हो गया C3H7, मेरे ख्याल से समझ आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो, वरना कॉपी पेन उठा के और बैठा करो साथ में और फिर उससे किया करो, आ गया होगा समझ में। देखो क्लियर है ना, जहां जहां जगह खाली हुई है मैंने लिख दिया है, ये देखो CH4 मिथेन था, CH3 होने के बाद मिथाइल हो गया। अब देखना तुम्हें क्या करना है, ये मिथाइल है, डन है, मिथाइल है ये। अब मैं यहां जोड़ रहा हूं, ये जो जगह खाली हुई थी, ये जो जगह खाली हुई थी यहां पे मैं जोड़ रहा हूं OH को, किसको जोड़ दिया मैंने, OH को, यहां भी जगह खाली हुई थी यानी कि इसको क्या जोड़ दिया, OH। जैसे ही मैंने OH जोड़ा, तुम नाम के पीछे क्या जोड़ोगे, अल्कोहल, क्या जोड़ोगे, अल्कोहल, घुस गई दिमाग में बात, जो जगह खाली हुई थी OH जोड़ दिया, यहां भी जगह खाली हुई थी OH जोड़ दिया, अल्कोहल जोड़ दो नाम के पीछे। यहां देखो, यहां जगह खाली हुई थी,
ये हुई थी ना जगह खाली, यहां इस जगह खाली पे मैंने यहां जोड़ दिया OH, क्या जोड़ दिया OH। जैसे ही OH जोड़ा, इसके पीछे इथाइल के पीछे क्या जोड़ दोगे बताओ, इथाइल के पीछे क्या जोड़ दोगे, एल्कोहल। यहां देखो ये प्रोपाइल था, यहां जो जगह खाली हुई थी ये रही, इस जगह पे मैंने जोड़ दिया OH, क्या जोड़ दिया OH। प्रोपाइल के नाम के साथ क्या जोड़ दोगे, एल्कोहल, क्या जोड़ दोगे, एल्कोहल। समझ में आ गया या नहीं आ गया जल्दी बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हो गया। जो जगह खाली थी वहां पे OH जोड़ दिया, और OH जोड़ते ही मैंने प्रोपाइल इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, सही है एकदम अच्छे से, सबको क्लियर है। ये हटा देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये अच्छे से क्लियर है ना सबको। हाँ जी, अब देखो एक चीज और, यहाँ पे इस नाम को मैं, इस नाम को एक तरीके से और लिख सकता हूं, और वो तरीका है ये देखो, अरे कैप कहाँ गई, ये गिर गई। ये देखो इस नाम को कैसे लिख सकता हूं, ये मिथाइल एल्कोहल है ना, एक कार्बन है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ये OH का, जैसे एक कार्बन का कोड मिथ होता है वैसे ही OH का कोड होता है ओल, क्या होता है ओल, क्या कोड होता है OH का, ओल। OH का जो कोड है, कोड है वो होता है क्या, ओएल, ओल, क्या होता है OH का कोड, OH का कोड होता है ओएल। तो ये लिखूंगा मिथ एन, फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये फर्स्ट कार्बन, और इस पे जुड़ा हुआ है OH, तो फर्स्ट ओल, क्या लिखूंगा, वन ओल। मिथ लिखा एक कार्बन के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फर्स्ट कार्बन पे OH जुड़ा हुआ था, वन ओल, और वन हटाया जा सकता है तो लिखेंगे मिथ एन ओल, क्या लिखेंगे, मिथ एन ओल। यहां देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिखेंगे बताना एक बारी, चलो बताओ इसको, ये तीन नाम हो गए, इसका मतलब इस कंपाउंड के तीन नाम हो गए, मिथाइल एल्कोहल, मिथेन वनोल, और दूसरा हो गया मिथेनोल, क्लियर हुआ, क्योंकि वन हट सकता था। यहां देखो तीन कार्बन है प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और वन, ये टू, ये थ्री, फर्स्ट कार्बन पे OH, यानी कि वन ओल, और वन हट सकता है तो क्या लिख सकूंगा, प्रोपेन ओल, ओ एल ओल, क्या लिखूंगा, प्रोपेन ओल, प्रोपेनोल, आ गया समझ में। इसको क्या लिखूंगा, दो कार्बन है इथ और करके बीच में, इथ और OH के लिए इथ एन, और OH के लिए लिखेंगे ओल, इथेनोल, ये नाम हो गए। तो यानी कि इन कंपाउंड्स के आपको सारे नाम मैंने सिखा दिए हैं, लिखना आपको आ गया होगा, प्रैक्टिस करवाता हूं, देखो आ गया सबको, नहीं आया पॉज करें, पीछे जाके फिर से देखें। ये थी इसकी नेमिंग जो सिखा रहा हूं आपको। हा जीना इसी का नाम है यू तो हो, क्लियर हो गया ना यहां तक, चलो देखो भाई, ये देखो यहां पे जैसे ये लिख दिया CH3 CH2 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 और OH, फिर से वही 1 2 3 4, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, चार कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट एन वन ओल, क्योंकि फर्स्ट पे ही जुड़ा हुआ है OH, चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और वन ओल, और वन हटाया जा सकता है तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन ओल। और दूसरा नाम अभी अभी सिखाया था, अगर ये जगह पूरी भरी होती तो यहां हाइड्रोजन होता, तो इसका अगला नाम क्या हो सकता है, ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। एक और देखो, एक और दिखाता हूं आपको, एक और लो, यहां देखो जैसे ये है CH3 CH, यहां OH जोड़ दिया मैंने इस बार, ये CH2 CH3, इसकी करो नंबरिंग करो, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। अब देखो चार कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, सेकंड कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है टू ओल, ब्यूटेन टू ओल, क्या नाम हो गया, ब्यूटेन टू ओल, और टू नहीं हटेगा, बड़ा नंबर आ गया, वन ही हटा सकते हो, अदरवाइज आप नंबर नहीं हटा सकते, क्लियर हुआ। जैसे मान लो ये होता CH3 CH2 CH OH CH2 CH3, अब देखो 1 2 3 4 और 5,
यानी कि थर्ड नंबर पे OH। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो, अगर मैं ऐसे चलूं तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फाइव, अब भी थर्ड नंबर पे है। तो आप कोई भी नेमिंग लो, नंबरिंग लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वैसे नंबरिंग वही लेनी है जहां से OH नजदीक होगा। पहले हम देख रहे थे डबल बॉन्ड को, अब हम देखेंगे OH को, यानी कि जो हमें नया एक ये नई नई विचित्र चीजें मिली हैं। इसका नाम क्या हो गया? पेंट एन थ्री ओल। क्या लिखेंगे? पेंटेन थ्री ओल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है कि हमने क्या किया है, हमने नेमिंग किया है। एक आपके लिए देता हूँ, करके दिखाओ। चलो ये देखिए, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच ओ एच, ये ओ एच है भाई, ओ एच, ये हो गया सी एच टू, ये सी एच टू और ये सी एच थ्री। इसकी नेमिंग करके दिखाओ आप। चलो वन टू थ्री फोर, हो गया, शाबाश। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फाइव, ये सिक्स। जब मैं ऐसे चल रहा हूँ तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, जब मैं ऐसे चलूँगा तो फोर नंबर पे आएगी। करके देखो, वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, यहाँ पे आ रही है फोर्थ नंबर पे। तो ऊपर वाली नेमिंग नहीं लेनी है आपको, आपको नेमिंग नंबरिंग वही लेनी है जहाँ से आपको OH ग्रुप नज़दीक मिलेगा। तो इसका नेम क्या होगा? पाँच कार्बन के, छः कार्बन के लिए हेक्स एन थ्री ओल। क्या नाम हो गया? हेक्सेन थ्री ओल। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है, आपको समझ में आया है, क्लियर हुआ? ठीक है, शाबाश। ये थी नेमिंग आपको जो मैंने समझाई। जैसे अब आपको मान लो ये आ जाए, जैसे ये आ जाए सी एच थ्री सी एच, यहाँ OH आ गया, यहाँ भी OH आ गया। इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ, यहाँ से ये आ गया मान लो सी एच थ्री। अब देखो, इस कार्बन के तीन कार्बन की चेन फिर से लिखेंगे प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है, फिर से क्या लिखेंगे? एन। अब देखो वन, ये टू, ये थ्री, अगर ऐसी चेन आती है। अब टू पे देखो OH जुड़ा हुआ है, टू पे नीचे भी OH जुड़ा हुआ है, तो आपको लिखना क्या है? टू और टू, क्योंकि दो बार OH था तो दो बार टू टू लिखेंगे आप। और OH के लिए क्या लिखते हैं? OL, लेकिन दो बार OH है तो हम OL OL दो बार लिखने की बजाय इसके नाम के आगे लगा देंगे डाई, ऐसे प्रोपेन टू टू डाइओल, ऐसे लिखेंगे। फिर से सीखो, तीन कार्बन के लिए लिख दिया प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए लिख दिया एन, और फिर लिखा टू टू प्रोपेन टू टू डाइओल, क्योंकि दो पे था, फिर से दो पे था, टू टू डाइओल। याद रख लोगे, आसान है ना, प्रोपेन टू टू डाइओल ऐसे लगाना है। मान लो तीन बार होता, जैसे ये है सी एच थ्री सी एच, जैसे मान लो यहाँ है, ये रहा OH, ये रहा OH, ये रहा OH, तीन बार आ गया OH, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट, ये सेकंड, यहाँ से ही कार्बन को गिनना है। कई बच्चे क्या करते हैं, OH को भी गिन लेते हैं, हमेशा कार्बन को ही गिनना है। ये कार्बन है पहला, ये दूसरा, तो क्या लिखेंगे? दो कार्बन के लिए लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, फिर लिखेंगे वन वन वन, तीन बार, एक दो तीन बार था ना, वन पे, फिर वन पे, फिर से वन पे, तो वन 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 ट्राइओल। क्या लिखेंगे? वन वन ट्राइओल, इथेन वन वन ट्राइओल। इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, इथेन ट्राइओल, क्योंकि वन है तो हटा सकते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है, शाबाश। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। किसी ने कहा सर तीन बार आ जाए तो OH, अगर OH तीन बार आ जाए, किसी ने कहा, तो हमने क्या किया? ट्राई लगा दिया। अगर दो बार OH आया था तो हमने क्या किया? किसी ने कहा दो बार आया तो हमने कहा हमने डाई लगा दिया। किसी ने कहा अगर चार बार OH आ जाए तो टेट्रा लगा देते, बट आएगा नहीं, आप तीन, दो तक, तीन तक ही याद रखो, काफी है इतना। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, सबको क्लियर है। ये था OH की नेमिंग से हमें करना सीखा हमने कि ये होता है। आपको कोई नेमिंग दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में नेमिंग जरूर, नाम जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन में इनका नाम जरूर बताएं। इनकी नाम बताना होगा तुमको प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इनका नाम बताना होगा। इनका नाम बताना है तुम्हें, कहीं छोड़ दो, छोड़ा तुम्हें ही जाएगा, स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो
एक दो तीन हो जाती है। ये जो हमने किया ना, ये थी नेमिंग, समझना है, ये थी नेमिंग जहां तक आज तक हमने थोड़ी बहुत सीखी। और जो ये OH जोड़ा ना हमने, इस OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इस OH को? हाइड्रोक्साइल ग्रुप, सही बात है। और इसका कोड मैंने तुम्हें बताया नेमिंग करते समय, OL, क्या लिखना है? OL, ठीक है। इसके अलावा इसको एल्कोहोलिक ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कोहोलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसके अलावा इसे? एल्कोहोलिक ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप। इसके अलावा ऐसा कोई भी कार्बन से अलग तरीके का ग्रुप आपको दिख जाए तो आपको उसे बोलना होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं उसे? फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो कार्बन के साथ जुड़ता है, कार्बन से अलग तरीके का थोड़ा सा दिखता है, और फिर जुड़ने के बाद कार्बन के फीचर्स में बदलाव कर देता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज को बदल देता है। आ गया समझ में? ठीक है। ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने तुम्हें समझाया। अब एक दो बातें तुम्हें बेसिक सी बता देता हूं, फिर तुम आगे अगले पार्ट में करेंगे, वीडियो को बढ़ाएंगे। देखो, जैसे मैं लिखता हूं CH3, CH2 और OH, इसका नाम बताना। दो कार्बन के लिए इथ एन और OH के लिए ओल। वन ओल लिखना था लेकिन मैंने इथेनॉल लिख दिया सीधा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वन हट सकता है। और करके इसका नाम क्या हो सकता है? इथाइल एल्कोहल, इतना तो आता ही है। इथ एन वन ओल, और इसको क्या लिख सकते हैं? इथाइल एल्कोहल। आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? ठीक है। और इसके 5% वाटर कंटेनिंग सॉल्यूशन को, 5% वाटर कंटेन करता है जब ये, 5% H2O जब कंटेन करता है, अरे रे रे, 5% H2O जब ये कंटेन करता है तो हम इसे बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्या बोलेंगे इसे? रेक्टिफाइड स्प्रिट, रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलेंगे। और ये इसका नाम बताना CH3OH, इसको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। और दूसरा इसका नाम क्या होता है? मिथाइल एल्कोहल। और क्या नाम होता है इसका? मिथाइल एल्कोहल। और इसको बोला जाता है वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं इसे? वुड स्प्रिट, याद रख लेना इसे, वुड स्प्रिट इसे बोलते हैं। और उसे क्या बोलते हैं? रेक्टिफाइड स्प्रिट बोलते हैं। इसको याद रख लेना तुम भाई, ये याद रखना पड़ेगा तुमको ही, रखना पड़े। अच्छा, ये जो होता है, ये मिथेनॉल जो होता है, ये अनफिट होता है, यानी कि इसको ड्रिंकिंग नहीं कर सकते। ड्रिंक के लिए क्या है? ये अनफिट है। ड्रिंक करते हैं इसको, क्या करते हैं? ड्रिंकिंग पर्पज में इसको यूज किया जाता है, इस एल्कोहल को, ठीक है। इथेनॉल यूज किया जाता है इथाइल एल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए, मिथेनॉल को नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकता है। क्या कर सकता है? ब्लाइंडनेस, अंधा कर सकता है आपको, अगर एल्कोहल पी लिया तो अंधा कर देगा। समझ में आ गया? तो भाई नेक्स्ट पार्ट दोबारा बनाएंगे। ये तो सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप था जिसकी नेमिंग हमने सीखी है। इसके बाद हम एक और पार्ट बनाएंगे, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट नेमिंग करेंगे, सभी चीज़ें सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और परखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, जो आपको सिखाया है, अपनी अपनी कोई भी बुक्स उठाइए, स्टैंडर्ड बुक्स उठाइए, NCERT उठाइए, चाहे कुछ भी उठाइए, उनको उनके अंदर नेमिंग्स काफ़ी मात्रा में दी गई हैं, आप सभी का इस्तेमाल कीजिए, नेमिंग को करिए, समझिए और परखिए, और उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में समझ में आएंगी तभी। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, अपने ध्यान को पढ़ाई में लगाएं, पेपर थोड़ी ही दूर रह गए हैं, खींच के पढ़ाई करनी है सभी को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, स्वस्थ रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, पढ़ते रहें, ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे रखें, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। और अंत में आपसे एक ही कहना चाहूँगा, क्या ये स्कूल वाली लाइफ है? ये स्कूल वाली लाइफ है। बाय बाय, लव यू।